किसी को आना यहाँ पे आ सकता है। अच्छा खासा इन्होंने बना रखा है, इसकी एंट्री मुझे लग रहा है आगे से है। या आई नो डेट्स आर मेकिंग अ वीडियो। यस 150 इट्स टू मच, इट्स ओनली 1.3 किलोमीटर। तो यहाँ पे क्या कलर चेंज होते रहेंगे, यहाँ पे कलर धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं, जो कि ना बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ वॉक करने में। गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक नए ब्लॉग में। मेरा नाम है पारस कोचर और मैं हूँ इस समय हुए सिटी में, जो कि वियतनाम के सेंटर में स्थित एक सिटी है, जो कि अगर मैं इसके बारे में कुछ बताऊँ तो ये 1802 से लेकर 1945 तक वियतनाम की नेशनल कैपिटल थी, फॉर्मर नेशनल कैपिटल थी। और इस समय यहाँ पे जो टेम्परेचर हो रहा है वो हो रहा है 33 डिग्री का, बट दिन में मैं यहाँ निकला था जो कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी उस समय, टेम्परेचर और ज़्यादा था, बट इस समय सब कुछ ठीक है। इस समय थोड़ी ठंडी हवा चल रही है और मेरा हॉस्टल इस साइड है और मैं इधर से पहले फर्स्ट जाऊँगा राइट साइड में। यहाँ पे इस समय गोल चक्कर पर खड़ा हूँ मैं, एक लाइन इधर भी जा रही है, एक लाइन इधर भी जा रही है, ये भी क्राउडेड है एंड ये भी क्राउडेड है, बट मैं फर्स्ट इधर जाऊँगा। अभी इस लाइन में तो मैं जितना देख पा रहा हूँ तो रेस्टोरेंट्स हैं, बार्स एंड फूड स्टॉल्स हैं, जहाँ पे जैसे मेरे पीछे देख रहे होंगे, मैं उतना कैमरा नहीं करूँगा, कि नीचे बैठ के खाने का इनका ट्रेडिशन है, छोटे छोटे स्टूल्स होते हैं वहाँ बैठ के नीचे खाते हैं ये। भाई सही है, ऐसी स्ट्रीट में हमें ऐसा चाहिए कि थोड़ा क्रिएटिविटी भी दिखनी चाहिए हमें ऐसी स्ट्रीट में। मेरे ख्याल से वेस्टर्न स्ट्रीट भी बोला जाता है। मेरा प्लान था कि वेस्टर्न स्ट्रीट में जाऊँ, यहाँ फॉरनर्स बहुत ज़्यादा नजर आएंगे, बट मुझे इतना नहीं पता था कि मेरे हॉस्टल के बाहर निकलते ही है ये। इसको वॉकिंग स्ट्रीट भी बोलते हैं, वेस्टर्न स्ट्रीट भी बोलते हैं। तो इधर तो ये पूरी स्ट्रीट ख़त्म हो चुकी है और ये रहा, मुझे कोई बड़ा डीजे लग रहा है वैसे तो, ये किसी को आना यहाँ पे आ सकता है। अच्छा खासा इन्होंने बना रखा है, इसकी एंट्री मुझे लग रहा है आगे से है, एक बार स्ट्रीट के बाहर निकल के देखना पड़ेगा। ठीक है, ये री एंट्री डिस्क है, ये किसी को इंटरेस्ट हो तो आ सकता है। अच्छी खासी यहाँ पे भीड़ हो रखी है, बट मैं यहाँ से सीधा वापसी जाऊँगा एंड वो वाली जो उसके सामने जो स्ट्रीट थी मैं उसको एक्सप्लोर करूँगा अभी। ये बच्चा इतनी देर से इतना मजा ले रहा है ना, क्या बोलूँ मैं। ये देखो ये स्ट्रीट पूरी खाली नज़र आ रही है एंड यहाँ पे जैसे दिख जाएंगे लोकल्स टूरिस्ट, यहाँ पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, बट ठीक है। स्ट्रीट नाइट में अपनी फैमिली के साथ आने के लिए, अकेले आने के लिए भी, टाइम पास करने के लिए बहुत सही स्ट्रीट है। और यहाँ पे कोई जैसे होता है ना कि हो ची मिन्ह सिटी में था तो मसाज के लिए एंड ऑल के लिए एकदम वो बुलाते हैं, फोर्स करते हैं, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ अपना मजे से घूमो, टाइम पास ईजिली हो जाएगा फैमिली के साथ अकेले। अच्छा जी, जो मेरे सामने है ना ये वॉकिंग स्ट्रीट है और इसको वेस्टर्न स्ट्रीट भी बोला जाता है हुए में। अच्छा, तो और इसके बारे में एक बार और बताऊं कि नाइट स्पेंड करने के लिए इससे अच्छी जगह अभी तो मुझे कुछ दिख नहीं रही, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ है, एंटरटेनमेंट के लिए सब कुछ है, फूड स्टॉल्स हैं, सोनियस लेने हैं, टाइम स्पेंड करना है, कहीं बैठना है, कुछ भी करना है, ए टू जेड चीज़ें मिल जाएंगी। एक किलोमीटर का ये पूरा एरिया है जो कि 3 स्ट्रीट्स में बटा हुआ है, बीच में जैसे मैंने दिखाया था सर्कल, तो वहाँ से 3 स्ट्रीट्स जाती हैं, तीनों पूरी एंटरटेनिंग स्ट्रीट्स हैं, तो यहाँ पे आराम से टाइम पास हो सकता है। और अब मैं यहाँ से जाऊँगा कहीं और। यहाँ पे ना एक राइड बहुत ज़्यादा फेमस है, उसे बोलते हैं साइक्लोन, जो यहाँ के टूरिस्ट आते हैं या फॉरनर्स आते हैं, यहाँ के लोकल्स भी यूज़ करते होंगे उसको, तो बहुत ज़्यादा फेमस है। उन्हें प्रॉपर इंग्लिश भी आती है, फ्रेंच भी आती है एंड वो उनको एक तरह से टूर गाइड के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब यूज़ क्या कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, उनको नॉलेज होती है। तो मुझे अब जाना है यहाँ से दूसरी अट्रैक्शन में, मतलब नाइट स्ट्रीट में दूसरी जगह, तो मैं सोच रहा हूँ ग्रैब टैक्सी से मैंने चेक किया तो मुझे दिखा रहा था 15,000 वियतनाम डोंग यहाँ से उस जगह जाने के लिए, तो 50,000 वियतनाम डोंग हो गए 52 रुपीज़ INR। अब मैं देखता हूँ वो साइकिलों वाले कितना चार्ज करते हैं मेरे को, तो उससे एक अंदाज़ा हो जाएगा, जिसको ट्राई करना है, जिसको इसका एक्सपीरियंस लेना है वो एक्सपीरियंस ले सकता है, और जिसको सिर्फ कंपेरिजन करना है कि क्या कन्वीनियंट पड़ता है, क्या अफोर्डेबल पड़ता है, तो वो भी उसके लिए भी ठीक है ये। तो मैं देखता हूँ अगर मुझे मिलते हैं, वैसे तो ज्यादा ही बोले, मैं कोशिश करूंगा कि उनसे बार्गेनिंग कर सकूं। यस 150 इट्स टू मच, इट्स ओनली 1.3 किलोमीटर, 1.3 किलोमीटर फ्रॉम हियर इन गिव। ओके, आई एम हियर। या पर 150 इज टू मच,
I saw in Grab bike, it's showing only 15,000 Vietnam dong. Vietnam dong, 115. 115? Yeah, 150. So you're asking for 15? 150. 150 is too much. I'm saying that... Okay, 120. No, it's too much. 20, too much? How much? It's too much. Okay, 100. I saw in Grab bike, it's showing 15. I said low too. So I pay you 20? Yeah, 100. 20? No. How much? 30? 30 last. It's 1.3 kilometers, not too far. How much kilometer? 1.3. 50. 50 too much. It's too much. Grab bike showing 115. I'm paying you double. 15 into 2, 30. I'm paying you 30. And in India also, it has. In India, cheaper than bike. They also sell a lot. And it's a... I'm paying you twice. Bike, 15. Paying you 30. It's double. Ciclo here, or 50. Oh, 50 too much. I can't. I'm from India. I'm not coming from Europe. I'm from a rap. Motorbike. Yeah, I will book. Yeah, okay. No, so you're not coming. You're not. No, 50 too much. No. Sorry, it's okay. So, 50 यार बहुत ज़्यादा हो रहे थे. 15,000 तो वियतनाम डोंग ग्रैब बाइक मांग रहा था. ये 30 में देने को रेडी था कि चलो एक एक्सपीरियंस हो जाए. 50 तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. वेस्टर्न लोग दे देते होंगे. मैं तो नहीं दूंगा. मैं क्यों दूंगा 30? मैं पैदल जा सकता हूँ. 1.3 किलोमीटर बस एक एक्सपीरियंस के लिए जाना था मुझे, इसलिए मैं ज़्यादा पे कर रहा था. अच्छा, तो ये भाई रेडी हुए हैं 30 में. ओके, तो अब इसका एक्सपीरियंस लेते हैं. जस्ट मैंने एक्सपीरियंस के लिए लिया है. एंड ठीक है, कुछ ऐसा है दिखने में तो क्या पता लग ही गया होगा. तो इनसे मेरी 30 में बात हुई है. जैसे मैंने बताया कि पैदल जाता तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 15-16 मिनट लगते, जो कि बड़ी डील नहीं थी मेरे लिए. वैसे गर्मी तो हो ही रखी है. ग्रैब टैक्सी का मैंने देखा नहीं. ग्रैब टैक्सी ज़्यादा मांग रही थी, वो 30 मांग रही थी, 32. एंड ग्रैब बाइक जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है उसका था 15,000 वियतनाम डोंग. एंड 1.6 किलोमीटर, ये ज़्यादा नहीं है. तो ये भाई मैं इसको डबल पे कर रहा हूँ बाइक से ज़्यादा, बस सिर्फ एक एक्सपीरियंस के लिए शो कर सकूँ मैं. अपने इंडिया में जैसे रिक्शा चलते हैं वैसे ही है कुछ. ठीक है, बढ़िया, अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल सा. अपना आगे बैठे रहो, पीछे से वो चला ही रहे हैं अपना. सही जगह है. और इसमें क्या है ना, एक घंटे का टूर भी ले सकते हैं. हाउ मच फॉर 1 आवर? 250. For 1 hour? Yeah, 250. But I asked to another person, they said 130. Why? One hour, 130? No. Yeah, yes? No. Hour? Yeah, for 1 hour, 130, he no, said. No. Vietnamese, I drive a Vietnamese, 1 hour, 200. Watch out, he's a liar. He's a liar, okay, no problem. Yeah, I know, that's why I'm making a video. Video? वो पीछे भाई कह रहा कि भाई ये झूठा है, ये इसके भरोसे मत. ये देखो धोखाधड़ी होती है यहाँ पे, ये मैं पहले ही बता दूँ. इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि अगर मेरे साथ होता भी है तो एटलीस्ट पता रहे कि क्या चल रहा है यहाँ पे. बाकी देखता हूँ, मैं कुछ बोला कुछ किया तो मैं तो जैसे उज़्बेकिस्तान में था कि पुलिस स्टेशन चले गया था, यहाँ पे जाने को रेडी थी. मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ. ऐसा होता है, भाई चला रहा है पीछे, मैं यहाँ बैठा हूँ. कूल है, अच्छा है, बट सही है, थोड़ा ईमानदारी वाला काम हो तो ज़्यादा बढ़िया है. एंड अदरवाइज ये देखो. व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू कम हियर एट नाइट? मैंने अभी वियतनाम में कम हियर एंड टू काउट अबाउट. ओके मेरी म्यूजिक. ओके वियतनामीस कम्स एंड बुक अ बोट एंड एंजॉय हियर. या मैंने भी नमी कम इन द बोट. म्यूजिक सेवन लाइटी म्यूजिक. यहाँ पे क्या है ना, म्यूजिक और वियतनामीस आते होंगे यहाँ पे, अपना बोट बुक करते होंगे. एंड अपना वही होता है ना, चिल करने आते होंगे. फ्राइडे सैटरडे संडे चिल करने का ही होता है. ठीक है, बाकी ये भाई मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो बंदा झूठ बोल रहा था, पता नहीं वो क्या है, वो खुद ही पागल है ये वो. और वो देखता हूँ मैं अभी, क्योंकि जब उतरूँगा ना तब देखूँगा इसको मैं कि कौन पागल है क्या नहीं है. बाकी बात तो हुई है, बाकी मैंने उस इंग्लिश, मैंने बताया कि इंग्लिश आती है इन्हें, तो
इंग्लिश में मैंने बोल दिया था कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, देखता हूँ क्या करता है। ये भी अच्छी जगह लग रही है मेरे को, यहाँ भी आराम से कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ अपना गेम खेल रहे हैं, फैमिली के साथ आ रखे हैं। यहाँ कुछ ज्यादा ठंडी हवा चल रही है, ये ज्यादा अच्छी लगी मेरे को जगह। यहाँ पे ना बहुत अच्छी जगह ठंडी हवा चल रही है, ऐसा नहीं दिखे मैं बहुत देर से घूम रहा हूँ, मैं इसमें साइकिलों में बहुत देर से घूम रहा हूँ, तो अभी कुछ ज्यादा अच्छी ठंडी हवा आई है यहाँ पे। तो यहाँ रिवर भी है साथ में, ठीक है। ये है जगह आने की सबसे बेस्ट जगह लगी मेरे को, क्या ठंडी हवा चल रही है ऐसे मौसम में। मैंने बताया ना 33 डिग्री यहाँ पे महसूस नहीं हो रहा है, ठंडी हवा रिवर के पास। अच्छा हमें बताना भूल गया, जो यहाँ पे ना प्रोग्राम चल रहा है, मुझे पीछे उतार दिया था और उस भाई ने मेरे से 30,000 वियतनाम डोंगी मेरे को चार्ज करे थे। मे भी ऐसे मैं वीडियो बना रहा था, बट यहाँ पे ऐसे स्कैम्स होते रहते हैं, तो देख लेना कि मतलब ना वीडियो या पक्का करके चलना है इससे, क्योंकि जो पीछे जो फॉरनर था वो गलत नहीं कर रहा था, ये झूठ बोलते हैं, फ्रॉड करते हैं, होता है, ऐसी बात नहीं है, ये इंडिया में भी होता है जब फॉरनर्स आते हैं, और हम जब बाहर जाते हैं तो हमारे साथ भी होता है। तो इनसे ना जब भी एक प्राइस सिलेक्ट करो ना, तो इनसे हमेशा वीडियो बना के रखो कि हाँ इतना, तो मेरी मैं वीडियो बना रखा था इसलिए मेरे से ज्यादा इसने बहस नहीं करी है, 30,000 ले लिया, मे भी ना भी करता हो बट अपनी सिक्योरिटी के लिए बेस्ट है। अच्छा ये यहाँ पे पार्किंग है, यहाँ पे दूसरे गेट होगा यहाँ से एंट्री का, तो इस एंट्री के साथ ही यहाँ पे वॉशरूम भी है, जस्ट ऐसे ही मेरा मन किया बताने का तो बता दिया। एंड यहाँ से जो व्यू स्टार्ट होता है अच्छा खासा है यहाँ पे ना रिवर के साथ। दिन में आओगे धूप में आओगे कुछ फायदा नहीं है, इसलिए मैं दिन में निकला ही नहीं, क्योंकि इस समय जून के मंथ में निकलना फायदा नहीं है, जैसे मैंने बताया नवंबर से अप्रैल ठीक है फिर भी, पर इस समय आना बेकार है। और ये अच्छा खासा उधर तो पूरी रिवर है बट इधर भी ठीक है, कनाल टाइप का बना रखा है इन्होंने, तो यहाँ वॉकिंग करने में मजा आया। ये पूरा मुझे ना 1 किलोमीटर से ज्यादा की मुझे वॉक लग रही है, और यहाँ पे क्या कलर चेंज होते रहेंगे, यहाँ पे कलर धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं, जो कि ना बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ वॉक करने में। साथ में रिवर है, ठंडी हवा चल रही है, नाइट समय है, सामने पूरा ब्रिज है, आसपास यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, बार्स हैं, मे बी ये होटल एंड रेस्टोरेंट लग रहा है मुझे, सब यहाँ पे नाइट में अपने एंजॉय करने आ रखे हैं। और टाइम हो रहा है अभी, चलो मैं ही बता देता हूँ, टाइम अभी होने वाले हैं 9 बजने वाले हैं, माने अभी इंडिया में अगर टाइम क्या हो रहा होगा, इंडिया में अभी 7:30 बजने वाले होंगे, क्योंकि 1.5 घंटे पीछे चलता है इंडिया का टाइम यहाँ से, तो कुछ इस तरीके का माहौल हो रखा है। और मुझे लग रहा है यहाँ पे आना तो बनता ही है, बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे, लाइटिंग चेंज होती रहेंगी। अब वॉक करने वैसे जा रहा हूँ इस साइड, बट फैमिली के साथ आके यहाँ पे वॉक करने का अलग ही मजा है। और इसके बारे में जहाँ तक मैंने पढ़ा था, ये 24 आवर्स खुला रहेगा, इसको बंद नहीं होता है। अब सुना तो मैंने यही है, बाकी मे भी बंद कर दे रात में कुछ किसी वजह से वो अलग बात है, पर खुला रहता है ये, तो आ सकते हो यहाँ पे 24 आवर्स कभी भी, पर रात में आने का अलग ही मजा है। ये लोग भाई यहाँ पे फिशिंग भी कर रहे हैं मेरे ख्याल से, टिकटॉक वीडियोस भी बना रहे हैं, जैसे होता है ना कैंपिंग करना एंड ऑल करना, सही है। मैंने अभी देखा तो था किसी को फोन उठाते हैं दोनों में से एक को, पता नहीं। और यार ये ना बहुत दूर तक है, अभी मैंने तो यहाँ का लेफ्ट साइड का हिस्सा ही कवर किया है, अभी तो पीछे की साइड भी जाना है मेरे को सही में। और ये बोट राइड्स का यार मैं ना मेरे को जगह नहीं मिल पा रही जहाँ से आप पूछ सकूँ कि इसका कितना प्राइस होगा, कहाँ से इसे बुक करेंगे। अच्छा तो भाई यहाँ पे मैंने आके ना पता कर लिया, यहाँ कोने में जाके जैसे जहाँ से मैं वॉक करता हुआ आ रहा था, एंड यहाँ पे लेडी है तो इनसे बात करनी है आके। और इसके अंदर चाहे एक जना हो या 10 हो 12 लोग हो 15 लोग हो, आधे घंटे के लिए राइड के लगेंगे 300 वियतनाम डोंग, एंड 1 आवर की राइड के लिए लगेंगे 500 वियतनाम डोंग। Am I right? For half an hour, 300 Vietnam dong, and for 1 hour, 500 Vietnam dong. It depends. It doesn't mean 1 people, 10 people, 15 people. Yeah. Same price. Yeah. Okay. Okay. Thank you. तो same है, मतलब सब कुछ, चाहे एक जना हो तो group में आओ तो ज़्यादा बेहतर है, और आराम से boat ride कर सकते हो यहाँ पे। अच्छा खासा माहौल है, जो हवा चल रही है ये पत्तों से पता लग जाएगा, अभी तो और तेज चलेगी, मुझे लग रहा है अभी आज बारिश भी होने वाली है। मैं इतनी देर से वहाँ से चलता हुआ आ रहा हूँ, मुझे लगा अब ये जगह खत्म होगी, अब खत्म होगी,
बट जगह खत्म ही नहीं हो रही, मतलब अभी भी और बचा है इस साइड, और उधर मैं राइट साइड में, वहाँ के राइट साइड में जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा मुझे पता नहीं, क्योंकि इधर से कहीं और जाने का ही बनना है कि नाइट लाइफ देख के आऊँ मैं यहाँ पे हर जगह कैसी चल रही है। जैसे वहाँ पूरा पार्टी का माहौल था, यहाँ पूरा नॉर्मल जस्ट आके अपना रिलैक्स होके साइलेंटली बैठ जाओ, एंड रिवर है, सब कुछ है। सो डिफरेंस है, मतलब डिफरेंट है। अब मेरे को कहीं और जाने का सोच रहा हूँ, बट यहाँ से हटने का मन नहीं कर रहा। जैसे मेरे बालों से ही पता लग रहा होगा, पता नहीं ठंडी हवा दिख रही हो, कि यहाँ बहुत अच्छी हवा चल रही है, लाइक दिस ना, बहुत अच्छा माहौल हो रखा है। यहाँ से पूरा कवर हो चुका है, अभी आ चुका हूँ यहाँ पर, और यहाँ चल रहा है डांस, वहाँ पीछे अपना अलग स्किल्स की वो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, माहौल अच्छा बन रखा है यहाँ पर।